नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को करंट कैपेसिटी से 20 मिलियन टन पर एनम तक और इंक्रीज कर देंगे। एंड इस पर्पज के लिए अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड मैसिव 10,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बेसिकली अंबुजा सीमेंट हमारे देश की वन ऑफ द बेटर रेप्यूटेड सीमेंट कंपनी है, जिसकी करंट सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 मिलियन टन पर एनम की है। एंड कंपनी के अकॉर्डिंग पिछले कुछ समय से उनके सीमेंट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिस कारण इस साल जनवरी से मार्च तक क्वार्टर के बीच में इनके प्रॉफिट 71% जंप कर गए हैं। एंड आल्सो पहले से भी ये प्रॉफिट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे। एंड इसी के चलते अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड उनकी करंट 30 मिलियन टन पर एनम की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके 50 मिलियन टन पर एनम तक कर देगी। एंड फॉर दिस पर्पस ये कंपनी 10,000 करोड़ रुपीज की मेजर इन्वेस्टमेंट करके कुछ न्यू सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट्स एंड आल्सो उनके एक्जिस्टिंग सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट्स को एक्सपेंड करने वाली है, जिसमें करंटली छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र के मराठा में इन दोनों प्लेसेस पर उनके एक्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड प्लांट्स को एक्सपेंड किया जाएगा। एंड आल्सो 2,350 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट से राजस्थान स्टेट के मरवार मुंडवा में एक न्यू ब्राउनफील्ड सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करने पर भी काम किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे सिटी के एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट पुणे मेट्रो को लेकर, जहां पर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इस पुणे मेट्रो में फर्स्ट टू मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रही है, उन्होंने इस मेट्रो प्रोजेक्ट में मेट्रो रेल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए मूठा रिवर के अंदर अंडरग्राउंड और अंडर वाटर मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली महामेट्रो के द्वारा पुणे मेट्रो में टोटल 2 मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से पहला कॉरिडोर पहली लाइन पिंपरी चिंचवाड़ से स्वार गेट तक होगी वाया शिवाजी नगर, एंड वहीं दूसरा कॉरिडोर वनाज से रामवाड़ी तक होगा। इन दोनों कॉरिडोर की टोटल लेंथ 31 किलोमीटर है, जिसमें मोस्टली ये दोनों कॉरिडोर्स एलिवेटेड होंगे। सिर्फ शिवाजी नगर से स्वार गेट के बीच की स्ट्रेच को छोड़कर, जो कि अंडरग्राउंड स्ट्रेच है, एंड दोस्तों इसी अंडरग्राउंड स्ट्रेच के अकॉर्डिंग महामेट्रो के द्वारा कुछ अंडरग्राउंड टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसमें मूठा रिवर के अंदर एक अंडर वाटर टनल का भी कंस्ट्रक्शन किया जाना था, जिसे महामेट्रो के द्वारा फुली बनाकर कंप्लीट भी कर लिया गया है। दोस्तों ये अंडर वाटर टनल मूठा रिवर के अंदर वाटर लेवल और ग्राउंड लेवल से 18 मीटर नीचे बनाई गई है, जिसका निर्माण सिविल कोर्ट से बुधवारपेट मेट्रो स्टेशन के बीच में किया गया है। तो दोस्तों अब इस ब्रेक थ्रू के बाद ये टनल इंडिया थर्ड अंडर वाटर टनल बन चुकी है, कलकत्ता और मुंबई मेट्रो के बाद। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है फ्रेंच मल्टीनेशनल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर अल्स्टॉम की तरफ से, जहां पर उन्होंने इंडियन रेलवे को उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 100वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फुली मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर दिया है। बेसिकली 2015 में हमारी इंडियन रेलवे एंड इस रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अल्स्टॉम के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग अल्स्टॉम इंडिया में उनके न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके इंडियन रेलवे को 800 हाई पावर्ड इलेक्ट्रो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर करके देगी। एंड दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडियन रेलवे की ये डील आज तक की सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली डील थी, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 3.5 बिलियन यूरोस यानी कि अराउंड 25,000 करोड़ रुपीज तक की थी। एंड इस डील के अकॉर्डिंग अल्स्टॉम इंडियन रेलवे को 12,000 एचपी वाले 800 हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर करके देगी, जिनकी कैपेबिलिटी 6,000 टन ऑफ फ्रेट लोड करके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली होगी। एंड इन हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इंडियन रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर चलाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो दिसंबर 2020 में इंडियन रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर पहली बार इन 12,000 एचपी वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ट्रायल एंड टेस्ट किया था, जो फुली सक्सेसफुल भी रहा था। एंड नाउ 85% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके अल्स्टॉम इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बिहार के मधेपुरा में उनकी न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट में मैन्युफैक्चर कर रही है। बढ़ते दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ यानी कि मंथ अप्रैल में जीएसटी कलेक्शंस को लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है। एंड इस डेटा के अकॉर्डिंग यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मैसिव 1,41,384 करोड़ रुपीज की जीएसटी कलेक्शंस की है, जो कोविड की सेकेंड वेव के बावजूद एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड इनफैक्ट ये जीएसटी कलेक्शन आज तक की सबसे हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन है, जब से देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इस मंथ अप्रैल में टोटल 1,41,384 करोड़ रुपीज के जीएसटी कलेक्शन में 27,837 करोड़ रुपीस का तो सीजीएसटी है, वहीं 35,621 करोड़ रुपीस का एसजीएसटी है, एंड आल्सो 68,481 करोड़ रुपीस का आईजीएसटी है, जिसमें से 29,599 करोड़ रुपीस के गुड्स के इंपोर्ट पर कलेक्ट किए गए हैं, एंड वहीं 9,445 करोड़ रुपीस का सेस कलेक्ट किया गया है। एंड दोस्तों पिछले 7 कंसेक्यूटिव मंथ से हमें देखने को मिल रहा है कि देश में जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यूसली 1,00,000 करोड़ से ऊपर की देखने को मिल रही है। एंड इसी को देखते हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी सस्टेन इकोनॉमिक रिकवरी कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कोविड की सेकेंड वेव इंडियन इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट डालने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि उनकी गवर्नमेंट और उनका डिपार्टमेंट नेक्स्ट 2 ईयर्स के बीच वर्थ 15,00,000 करोड़ रुपीज के हाईवे पर काम करने वाला है। बेसिकली अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में वर्थ 50,000 करोड़ रुपीज के हाईवे प्रोजेक्ट्स कुछ डिले हो गए हैं, जो कि कोविड की सेकंड वेव के कारण डिले हुए हैं। एंड इसी तरह लास्ट ईयर भी हमारे देश में बहुत सारे हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे, जिस कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया
था कि वो उनके न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स पर और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर एंड और भी लार्ज नंबर्स में काम करेंगे एंड फर्दर ये हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स डिले ना हो इसके लिए डीपीआर प्रिपरेशन का काम पहले ही कर लिया जाएगा। एंड नाउ एनएचआई के इसी प्लान के अकॉर्डिंग नितिन गडकरी जी ने बताया है कि उनका टारगेट है कि वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के दौरान वर्थ 15 लाख करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे जिसके लिए कई तरह के न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर में स्टार्ट एंड कंप्लीट किए जाएंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव केबल हार्नेस एंड मिरर्स मैन्युफैक्चरर मदरसन ग्रुप की तरफ से, जहां पर इन्होंने तुर्की बेस्ड प्लास्टिक फैब्रिकेशन कंपनी प्लास्टमेस्ट ग्रुप की मेजोरिटी स्टेक को अक्वायर कर लिया है। बेसिकली तुर्की बेस्ड प्लास्टमेट ग्रुप की 2 कंपनीज हैं जिसमें से एक कंपनी का नाम प्लास्टमेट कलीप है एंड दूसरी कंपनी का नाम प्लास्टमेट प्लास्टिक है। एंड ये दोनों कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, मिरर सब असेंबलीज, ट्रिम मॉड्यूल्स एंड लाइटिंग सिस्टम इन थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। एंड इन दोनों कंपनीज की तुर्की के ऑटोमोटिव मार्केट एंड इंडस्ट्री में अच्छी खासी प्रेजेंस है। एंड इसी को देखते हुए मदरसन ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी संवर्धन मदरसन रिफ्रैक्टिव SMR ने इस तुर्की बेस्ड ग्रुप की दोनों कंपनीज में मेजोरिटी स्टेक अक्वायर करने के लिए इस प्लास्टमेट ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। एंड उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने तुर्की बेस्ड प्लास्टमेट ग्रुप की दोनों कंपनीज में 75% का मेजोरिटी स्टेक अक्वायर कर लिया है। दोस्तों फिलहाल इस डील के फाइनेंशियल क्लोजर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इस एक्विजिशन के बाद अब नोएडा बेस्ड मदरसन ग्रुप की प्रेजेंस तुर्की के ऑटोमोटिव मार्केट में भी हो चुकी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट मंथ यानी कि मंथ अप्रैल में इंडिया के फॉरेन ट्रेड को लेकर प्रीलिमिनरी डाटा रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ में इंडियन एक्सपोर्ट्स अराउंड 3/4 तक इंक्रीज हुए हैं एंड सिमिलरली इंडियन इंपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। बेसिकली इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स अप्रैल मंथ में टोटल $30.21 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में अराउंड 3 गुना ज़्यादा ग्रो हुए हैं, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के सेम पीरियड अप्रैल मंथ में इंडियन एक्सपोर्ट्स टोटल $10.17 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन दोस्तों इसमें एक नेगेटिव थिंग भी है जो कि काफ़ी बड़ी थिंग है, क्योंकि इस अप्रैल मंथ में इंडियन इंपोर्ट्स भी प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं, जो इस अप्रैल मंथ में $45.45 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले साल अप्रैल 2020 में ये इंपोर्ट $17.09 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे। एंड नाउ इस अप्रैल मंथ में इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $15.24 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। एंड वही डेटा के अकॉर्डिंग इस पीरियड में जेम्स एंड ज्वेलरीज, जूट, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑयल मिल्स, केमिकल, इंजीनियरिंग एंड मरीन प्रोडक्ट्स, इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। एंड वहीं इस पीरियड में $10.8 बिलियन का सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट्स किए गए हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर US गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन नेवी को 6 मोर न्यू P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। पिछली 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस टाइप के 10 और एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की बात कही थी, जिसके बाद बजट प्रॉब्लम्स होने के कारण इस 10 एयरक्राफ्ट को रिड्यूस करके 6 कर दिया गया था। एंड आल्सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस एयरक्राफ्ट के अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दी थी। एंड नाउ US गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है, जो अराउंड $2.4 बिलियन की डील है। दोस्तों इससे पहले भी इंडियन नेवी ने 2009 में इस टाइप के 8 एयरक्राफ्ट US गवर्नमेंट से प्रोक्योर किए थे। एंड आल्सो 2016 में भी 4 और P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए US गवर्नमेंट के साथ डील साइन हुई थी, जिसकी एक्विजिशन करंटली प्रोसेस में है। एंड नाउ 6 मोर P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए US गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल दे दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।